जिला मंडी के सेरी चांदनी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी द्वारा 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की गई। इस दौरान इकाई सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंडी में स्थापित क्लस्टर विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द कक्षाएं शुरू करने की मांग की है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया है और प्रदेश सरकार से क्लस्टर विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय बनाकर जल्द से जल्द कक्षाओं को शुरू करवाने और विश्वविद्यालय में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की जल्द नियुक्ति की मांग की है। लेकिन अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी ने 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। कार्यकर्ता क्लस्टर विश्वविद्यालय की मांग को लेकर यहाँ पर 24 घंटे का सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो प्रदेश सरकार है, वर्तमान की जो जयराम सरकार है, पिछले 2 वर्षों से यहाँ की जो मंडी के छात्र हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व जो है इस यहाँ पर क्लस्टर विश्वविद्यालय की घोषणा की कर दी जाती है, लेकिन आज तक जो है 2-2.5 साल का समय बीत जाने के बावजूद जो है यहाँ पर कक्षाएँ शुरू नहीं हो रही हैं। हम जो है प्रदेश सरकार और यहाँ और जो है माननीय सांसद महोदय जी को भी इस आंदोलन के जरिए जो है आग्रह भी कर रहे हैं उनसे और उनको चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर इसी सत्र से जो है हमारे यहाँ पर जो है क्लस्टर विश्वविद्यालय की कक्षाएं शुरू नहीं की जाती हैं, इस विश्वविद्यालय को क्लस्टर विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जाता है और इसी सत्र से जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर जो है स्थायी शिक्षकों की और गैर शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं की जाती है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है इससे भी और उग्र आंदोलन करेगी, जिसका खामियाजा जो है पूरी प्रदेश सरकार को जो है भुगतना पड़ेगा।